नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2021 के बारे में, इस योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, उसका नया वेबसाइट जारी हुआ है, वो कौन सा वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे भी मैं जाके वो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भर के दिखाऊंगा, और इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से बच्चियाँ हैं जो कि इस योजना का लाभ ले सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये योजना है क्या, ये भी मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बिहार सरकार जो है कि यहाँ पे 54,000 रुपये लड़कियों को दिया जाता है ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सकें। इस योजना में 54,000 रुपये कब से कब तक मिलेगा, उसका भी डिटेल्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का जरूर देखें। इससे पहले फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इससे रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप सब तक पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उस वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ और आपको वहाँ पर पूरी प्रक्रिया करके दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे ICDS का ऑफिशियली वेबसाइट खुल गया है। यहीं से जो है कि सारा प्रोसेस होने वाला है ऑनलाइन आवेदन का। तो पहले फ्रेंड्स, इसके वेबसाइट पे आने के लिए फ्रेंड्स आप लोग क्या करेंगे, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। फ्रेंड्स, अगर वहाँ से चाहें तो आप लोग वहाँ से जाके इस वेबसाइट पर डायरेक्टली आ सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जैसे कि आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है फ्रेंड्स, गूगल क्रोम या गूगल जो भी चलाते हैं उसको आप लोग ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग लिखेंगे आंगन लाभार्थी। जैसे ही फ्रेंड्स आप लोग आंगन लाभार्थी लिखेंगे, देख सकते हैं कि यहाँ पे icdsonline.bihar.nic.in का ये ऑफिशियली वेबसाइट है जो कि यहाँ पे ओपन हो गया है। अब आप लोग सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे आंगन पे, तो फ्रेंड्स उसी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन भरे गए आवेदन में आवेदन भरने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर अपने आवेदन को अंतिम रूप फाइनलाइज देने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर फाइनलाइज्ड रिकॉर्ड में जाएं। केवल वैसे आवेदन जिनको अंतिम रूप फाइनलाइज दिया गया है उसी को माना जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आप सब बता दिया गया है कि जो भी आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे, आवेदन करने के बाद जो भी आपके मोबाइल पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा उसे डाल के आप लोग फाइनलाइज रिकॉर्ड जब तक नहीं करते हैं तब तक आपका आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस बात को नोटिस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, और फ्रेंड्स इसके पहले मैं बता दूँ कि ये योजना किस प्रकार से आपको मिलने वाला है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत ये सारी योजनाएं चलाई गई हैं जो कि आपको कब कब से कब तक इस योजना का लाभ मिलने वाला है। जब बच्ची का जन्म होता है उसके ऊपर यहाँ पे 2,000 रुपया मिलता है, और उसके बाद कन्या के एक वर्ष पूर्ण होने के बाद यहाँ पे 1,000 रुपया फिर से मिल जाता है। और फ्रेंड्स, कन्या के 2 वर्ष पूरे होने पर जब वो टीकाकरण करवाती है तो फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे फिर से उसको 2,000 रुपया मिल जाता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब वो बच्ची 1 से 2 वर्ष की हो जाती है, जब वो स्कूल जाने लगती है तो उसको पोशाक के लिए यहाँ पे 600 रुपया प्रति वर्ष दिया जाता है। उसके बाद 3 से 5 वर्ष की लड़की जब हो जाती है उसको यहाँ पे 700 रुपया प्रति वर्ष मिलता है। और फ्रेंड्स, जैसे ही वो बच्ची 6 से 8 वर्ष की हो जाती है तो यहाँ पे 1,000 रुपया प्रति वर्ष पोशाक के लिए यहाँ पे दिया जाता है। जब वो लड़की 9 से 12 वर्ष की हो जाती है उसको 1,500 रुपये प्रति वर्ष मिलने लगते हैं पोशाक के लिए, जो कि यहाँ पे सारा चीज पोशाक के लिए दिखाया जाता है। 600, 700, 1,000, 1,500 ये जो है सब पोशाक की राशि है जो कि यहाँ पे मिलने वाला होता है। तो यहाँ पे भी 300 रुपये अलग से दिया जाता है जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। अविवाहित होने पर जब लड़की इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करती है और वो अविवाहित रहती है तो इसको यहाँ पे 10,000 रुपया दिया जाता है। और उसके बाद फ्रेंड्स, 25,000 रुपया जब लड़की स्नातक पूरा कर लेती है तो यहाँ पे 25,000 रुपया मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से जो है कि छोटे छोटे किस्तों में यहाँ पे टोटल जो है कि 54,000 रुपया लड़की के स्नातक करने तक यहाँ पे 54,000 रुपया सरकार पूरा कर देती है, यानी कि सरकार 54,000 रुपया उस लड़की के अकाउंट में डाल देती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही जो भी प्रक्रिया है वो यहाँ पे होता है, और आवेदन करना हुआ आसान। देख सकते हैं यहाँ पे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अथवा अपने निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा
भी कर सकते हैं। उसका वेबसाइट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, icdsonline.bihar.nic.in का ये ऑफिशियली वेबसाइट है जहाँ से कि आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑनलाइन भरने का प्रपत्र के लिए यहाँ क्लिक करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सिंपली क्लिक कर देते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इसका एक नया कल्याण का यहाँ पे पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे कुछ कंडीशन भी है कि वो जो बच्ची है वो कहाँ जन्म ली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बता दें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जन्मे लाभुकों का एंट्री यहाँ पर नहीं करें, केवल वैसे लाभुक जिनका जन्म निजी अस्पताल या घर में हुआ हो उन्हीं की एंट्री सॉफ्टवेयर से करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी सरकारी हॉस्पिटल में जो जिस बच्ची का जन्म हुआ है उस बच्ची का यहाँ पर एंट्री नहीं करना है, जो कि और जो घर पे बच्ची का जन्म हुआ है या प्राइवेट हॉस्पिटल में जन्म हुआ है सिर्फ उसी बच्ची का यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में एंट्री करना है या ऑनलाइन आवेदन करना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत 0 से 2 वर्ष आयु वर्ग के बच्ची के लिए आवेदन प्रपत्र यहीं से भरा जाना है। तो कैसे भरना है, जैसे ही आप लोग यहाँ पे 2020-21 सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ये सिलेक्ट रहता है, इसको यहाँ से छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे योजना आपको चुनना है कि कौन सा योजना का आप आवेदन करना चाहते हैं। यहाँ पे 0 से 1 वर्ष की बच्ची है उसका आवेदन करना चाहते हैं या 1 वर्ष से 2 वर्ष की बच्ची है उसका आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जिला सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका जिला पड़ता है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद परियोजना जो है कि परियोजना आपका ब्लॉक कौन सा है, जो भी ब्लॉक पड़ता है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्षेत्र का प्रकार चुनेंगे कि आप ग्रामीण से हैं या शहरी से हैं, तो जो भी है यहाँ पे ग्रामीण से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद पंचायत चुनेंगे, जो भी आपका पंचायत पड़ता है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स जो देखेंगे कि यहाँ पे गांव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ से गाँव चुनेंगे। गाँव चुनने के बाद यहाँ पे एक वार्ड का ऑप्शन भी आ जाएगा, तो यहाँ से आप लोग वार्ड भी चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण भरना है। अंग्रेजी टेक्स्ट बॉक्स में नाम दर्ज करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स के बाहर क्लिक करें, नाम का अनुवाद हिंदी में स्वयं हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड जैसे ही आप यहाँ पे नाम हिंदी में इंग्लिश में टाइप करेंगे उसके बाद आप स्पेस या यहाँ पे अलग किसी बॉक्स के बाहर क्लिक करेंगे तो उसका नाम हिंदी में ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है माता का आधार नंबर इसमें भरना है। उसके बाद माता के आधार में जैसा नाम रहेगा वैसे ही इसमें फिल कर देना है। उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र संख्या भर देना है, जो भी आपके क्षेत्र में आंगनबाड़ी पड़ता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या आप जुड़वा बच्चों के रिकॉर्ड दर्ज कराना चाहते हैं। अगर आपके जुड़वा बच्चे हैं तो यहाँ पे इसको टिक कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ शिशु का नाम अंग्रेजी में लिखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी में टाइप हो जाएगा। और यहाँ पे पिता का नाम लिखेंगे और फिर से यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा स्पेस देने के बाद। और फिर से यहाँ पे माता का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखने के बाद माता का नाम फिर हिंदी में यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। उसके बाद जन्म निबंधन संख्या यहाँ पे भरना है, जो कि जन्म प्रमाण पत्र में जो जन्म निबंधन संख्या होता है उसको यहाँ पे डाल देना है, जो कि आंगनबाड़ी बहनें आपको बना के देती हैं वही इसमें डाल देना है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रसव तिथि, जब बच्चे का जन्म हुआ था उसको यहाँ पे टाइप कर यहाँ पे भर देना है। उसके बाद श्रेणी का ऑप्शन आता है, आप जिस भी श्रेणी से आते हैं जनरल ओबीसी एसटी एससी उसको यहाँ पे भर देना है। और उसके बाद भरने के बाद यहाँ माता के ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है माता के मृत्यु होने की स्थिति में यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अगर माता की मृत्यु हो जाती है उस परिस्थिति में यहाँ पे टिक मार करना है। और जो कि मोबाइल नंबर यहाँ पे भर सकते हैं, मोबाइल नंबर देना बहुत ही ज़रूरी है, उसी पे जो है कि एसएमएस भेजा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे बैंक का विवरण देना है, बैंक के विवरण में जो कि बिहार में उस जो बैंक है वही बैंक खाता संख्या देना है, या बिहार से बाहर कोई बैंक है तो उसका यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं देना है। उसके बाद अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड डालेंगे, उसके बाद आईएफएससी कोड सत्यापित करें पे क्लिक करेंगे तो आपका आईएफएससी कोड सही है गलत यहाँ पे सत्यापित हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम चुनेंगे, जो भी बैंक है बैंक ऑफ इंडिया है तो उसको बैंक ऑफ इंडिया चुनेंगे, तो जो भी आपका बैंक है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन आता है,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब 0 से 1 साल के बच्ची के आप लोग आवेदन करते हैं तो वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे आप लोग उसका जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं। और माँ के साथ बच्ची का तस्वीर अपलोड करना है, जो माँ और बच्चे हैं उनको एक साथ फोटो ले लेना है, उसके बाद यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, जन्म प्रपत्र केवल JPG या PDF प्रारूप में 300 KB तक में अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 300 KB तक आप जन्म प्रमाण पत्र उसको PDF में अपलोड करना है या JPG में। और जो माँ के साथ बच्चे की तस्वीर है केवल उसको JPG फॉर्मेट में यहाँ पे 200 KB के बीच में अपलोड करना है, 200 KB तक ही रखना है उसको। उसके बाद यहाँ मूलभूत रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड को सेव करें, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद फ्रेंड्स आप लोग क्या करेंगे, सेव होने के बाद फ्रेंड्स आप लोग फिर से बैक आएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे पहले से रजिस्टर यूजर लॉगिन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसा मैंने बताया था कि जो ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि फाइल आवेदन सबमिट करने के बाद यहाँ पे फाइनलाइज आवेदन को ही माना जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपके मोबाइल पे यूजर पासवर्ड भेज दिया जाएगा, उसको यहाँ पे डाल के और कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा फाइनलाइज रिकॉर्ड पर सबमिट। फाइनलाइज जब तक आप लोग नहीं करेंगे तब तक आपका आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग को भरना है फ्रेंड्स की ऑनलाइन भरे गए प्रपत्र के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करें और माता का आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा भरेंगे तो आपके मोबाइल पे एक पासवर्ड जाएगा, उस पासवर्ड को यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। इस वीडियो में जितना भी जानकारी था फ्रेंड्स मैंने बता दिया है, इसी प्रकार से आप लोग भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस योजना का लाभ सभी को मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।